प्रदेश की योगी सरकार गौ तस्करों पर सख्त है, लेकिन कानून के रखवाले ही गौ तस्करी में पकड़े गए हैं। जी हाँ, देवरिया पुलिस में गौ तस्करी मामले में यूपी पुलिस के एक सिपाही को उसके 10 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब गोवंश से लदे दो ट्रक यूपी से बिहार की सीमा में प्रवेश कराए जा रहे थे। दरअसल देवरिया के मैल थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार को सूचना मिली थी कि जौनपुर से गोवंश बिहार जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई तो मामला सही निकला। दो ट्रक में 53 गाय बैल ठूस ठूस कर भरे गए थे। एक स्कॉर्पियो आगे चल रही थी जो ट्रक के लिए आगे का रास्ता सुरक्षित करती जा रही थी। कुंदौली में पुलिस ने स्कॉर्पियो के साथ दोनों ट्रक को रोक लिया। ट्रक में कुछ जानवर मृत भी मिले। पुलिस ने इस दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें एक यूपी पुलिस का सिपाही निकला। आरोपी सिपाही का नाम दीप नारायण पासवान बताया गया जो कि बलिया के उभाव थाने में तैनात था। बताया गया कि बलिया एसपी ने उसे लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं इस मामले में यूपी पुलिस के सिपाही के शामिल होने की खबर से अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। देर रात एक एडिशनल एसपी बलिया और देवरिया के एडिशनल एसपी शिष्यपाल सिंह मैल थाने में जमे रहे। सिपाही समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि थानाध्यक्ष मैल को जानकारी मिली थी कि ट्रक में लदे गोवंश उनकी सीमा से लाए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने दो ट्रक और एक स्कॉर्पियो को चेकिंग के लिए रुकवाया। ट्रक में गोवंश था और स्कॉर्पियो कार में बैठे आरोपी दोनों ट्रक की पायलटिंग करते हुए चल रहे थे। गोवंश जौनपुर से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में एक सिपाही को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गोवंश को सुरक्षित तरीके से गौशाला भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष मैल को इस बार की कहीं से जानकारी हुई कि 2-3 गाड़ियों में गोवंश उनके सीमा क्षेत्र से लाए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने चेज किया और उसमें 3 गाड़ियां पकड़ी, 2 12 टायरा ट्रक पकड़े और एक उसके आगे स्कॉर्पियो जो पायलट करके चल रही थी उसको पकड़ा। उसमें कुल 10 व्यक्ति पकड़े गए हैं। ये 10ों उस घटना में सम्मिलित हैं। 53 गोवंश पकड़े गए हैं। ये सारे गोवंश जौनपुर से मुजफ्फरपुर ले जाए जा रहे थे और उस जो 10 अभियुक्त पकड़े गए हैं उसमें एक व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई कि वो जनपद बलिया में नियुक्त आरक्षी है और उसके समेत 10 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। उसमें सर मृत मिले क्या जानवर? इसमें कुछ जानवर मृत हो गए थे क्योंकि गाड़ी की जो सीमा थी उससे अधिक सीमा में जानवर लादे गए थे और शेष जो गोवंश हैं वो सुरक्षित उनको गौशाला में भिजवाए जाने की कार्रवाई कराई जा रही है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ यूपी तक।